आरोदा पंचायत के विकास की एक ऐसी तस्वीर है जहां गांव में जाने तक का रास्ता मुश्किलों भरा, कीचड़ में रास्ते ढूंढते ग्रामीण महिला मरीज को इन कीचड़ और पानी भरे रास्तों में से बैलगाड़ी से बामुश्किल इलाज कराने विजयपुर ले जाते ग्रामीण। खबर विजयपुर जनपद की आरोदा पंचायत से है, जहां यदि बात की जाए विकास की तो ये कीचड़ में तब्दीली रास्ते विकास के सारे मंजर बयां कर देंगे। जिले का अनुभाग विजयपुर सारे प्रदेश भर में वैसे ही फेमस है, क्योंकि प्रदेश के सीएम यहां किसी न किसी कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं और इसी क्षेत्र के गदावर नेता को प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। राजनीति की बुलंदियों को छूने वाली विजयपुर नगरी में विकास कार्यों की रफ्तार कछुए से भी कम है, क्योंकि यहां की अधिकांश पंचायतों के हाल बेहाल है। आमजन को कितनी सुविधा यहां दी जाती होगी ये कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल तो पंचायत में रास्ते ही दलदल बने हुए हैं, जिससे आमजन का निकलना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इन रास्तों पर पैदल चलना और वाहन निकलना कितना कठिन है ये अधिकारी स्वयं जाकर देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। जनपद पंचायत विजयपुर के ग्राम पंचायत आरोदा में बुद्धा कपुरा के करीब 800 लोग आम रास्ते सहित अपने खेतों तक जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अब से 4 या 5 माह पहले इन जगहों पर पुलिया भी स्वीकृत हुई है, लेकिन जनपद अधिकारी पंचायत सचिव रोजगार सहायक की मनमानी के चलते नहीं बनाई जा रही। ये भी बताया जा रहा है कि इस बुद्धा का पूरे रास्ते में सड़क और पुलिया निर्माण का कुछ पैसा भी पंचायत द्वारा निकाला जा चुका है। अब ग्रामीण इस शिकायत को लेकर कलेक्टर से मिलने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आमजन की इस गंभीर समस्या पर स्थानीय अधिकारी क्या एक्शन लेंगे या कलेक्टर को ही इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देखिए विजयपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। की समस्या ये है बुद्धापुरा में, देखो कितना पानी भरा है, नाले में निकलने नहीं आता है। बैलगाड़ी से मारे विजयपुर को मरीजों को ले जा रहे हैं हम। गाड़ी तो दूर ढोना पड़ रहा है, टैंकर आना रो और मरीज गाड़ी ले जा रहे हैं। स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और कोई वो नहीं है अपने को समस्या जहाँ में ना कोई अधिकारी आ रहा है यहाँ पे और ना कोई गैल का हो रहा है कुछ भी। और इसका क्या समाधान होना नहीं करते हैं, करवाते हैं क्या है कोई समझ में नहीं आता है। कितने 20 साल 25 साल से सरपंच जी का चुनाव होते जा रहा है, वैसे यहाँ कोई तरक्की हुई नहीं है। चक्कर क्या है, बनवाद नहीं है या हमारे शासन नहीं देता है कुछ, या कोई बनवादा नहीं है, सेक्रेटरी की कमी।